बढ़ते हैं आगे। फरीदाबाद में एक बार फिर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब बच्ची अपने घर में सो रही थी, युवक पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बच्ची ने घर का दरवाजा खोला, तभी आरोपी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने माता पिता को घटना के बारे में सूचना दी। सुनने के बाद उसके माता पिता ने बच्ची की शिकायत महिला पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने उनके बयान पर बच्ची को सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया। वहीं बच्ची के बयान पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमारे महिला थाना सेक्टर 16 में कि एक नाबालिग लड़की जो करीब 17 साल की उम्र है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने वाला उन्हीं के घर के सामने कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का कर्मचारी है। और शिकायत प्राप्त होने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल कराया गया है और साथ ही उनका जज साहब के सम्मुख बयान कराए गए हैं और आरोपी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। किन किन धारा के तहत क्या कार्रवाई की गई है? वो पॉक्सो एक्ट लगाया है उसमें 4, क्योंकि लड़की नाबालिग है और इसमें हमने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।